कर पाना है। आज है 24th अप्रैल और टाइम बच चुकी है 6:15, जो कि मैं काफ़ी लेट हो चुकी हूँ। आज मैं चिकन रैप्स बना रही हूँ। तो सिर्फ थोड़ा सा चिकन है जो फ्राई करना है, उसके अलावा बाकी सब चीज़ें हैं। और एक थोड़ी सी सॉस बनानी है, मुझे लगता है इसके लिए ज़्यादा घंटा ये कम होगा। वैसे ट्राई करती हूँ कि 7:45 से पहले रेडी बन जाता है तो ठीक है, नहीं तो 7:45 के बाद उसको रेडी कर लूँगी। और उससे पहले थोड़ा सा फ्रूट वगैरह काट लेंगी, कितनी देर में फ्राई होता है मैं थोड़ा सा कोशिश करती हूँ कि मैं फ्रूट काट के रखूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं ये फ्राई हो चुके हैं, और ये फ्राइज मैंने डिश में निकाल लिए हैं। साइड रखूँगी अभी चिकन है, इसको थोड़ा सा फ्राई करना है। इसको 5-10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। इसको मैंने लिड से कवर कर दिया है और इतनी देर में तब उसका जूस बना लेती हूँ। जो ग्राफ नजर आ रहा है इतना आज रेड है कि लगता है इसमें रूह अफजा या चम्मच डाल के बिल्कुल जूस बन गई है। तो ये आपको दिखाती हूँ, फुल रेड हो चुका है। तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं और दोबारा से आप इसको कवर कर देंगे। अच्छा, ये 5 से 10 मिनट हो चुके हैं और ऐसे ही पकने देंगे और फिर उसके बाद हम इसमें कभी समझ आते हैं।
ये फ्राई हो चुके हैं, इसको भी हम प्लेट में निकाल लेंगे और इसको बाद में हम इधर बैठ के कर लेंगे थोड़ी सी और थोड़ी सी इसमें रैप में डाल देंगे। इसमें हम एक के करीब प्याज डाल देंगे, ये जो थोड़ा कम लग रहा है एक बड़े वाला प्याज डाल थोड़ा पानी डाल दें। सरोसा पर होने का टाइम है तकरीबन 7 बजे और 7:45 हो चुके हैं, मेरे पास 15 मिनट्स हैं। तो अभी मैं सिर्फ ये वाली चीज़ें रेडी कर लूँगी और अगर टाइम हुआ तो रैप को फाइनली कर दूँगी, अगर नहीं तो फिर उसे मैं रफ्तार करने के बाद मास्क करने के बाद तकरीबन एक टमाटर डाल दूँगी। अगर बड़े वाला है तो बड़े वाला डाल दें, इसको आप छोटे वाले डाल सकते कवर डाल देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। ये तकरीबन 5 मिनट कर चुके हैं और अच्छे से सोकिंग हो चुके हैं। इसमें तकरीबन इतना साफ के सोया पंच डालना है और थोड़ी सी केचप और टमाटो पेस्ट भी डाल सकते हैं। अच्छे से
मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, 5 मिनट हो चुके हैं और अच्छे से रेडी हो गया है। जैसे ये आप देख सकते हैं इसे मैंने प्लेट में निकाल लिया है और हेलो गाइस, आपने देखा ये कितना ज़बरदस्त इन्होंने ख़राब किया है, मतलब इस पर पकाया है और निकाला है। देखें ये अब्दुल्ले का साफ होगा, देखें शाइनिंग भी शाइन मार रहा है यार। नहीं ये कह रही है ये जल जाएगा, ये जला रही है इसको, देखें आठ पर ख़राब कर रही है। इनकी बातों में नहीं आया करो भाई, मेरी बात मान लो, सही कह रहा हूँ। अच्छा इसमें ये थोड़े से टमाटर प्याज और काचरी है तो थोड़े डाल के रख देंगे और थोड़े से स्टर फ्राई से हो जाए। इसमें ये कितने प्याज के ये दाने कितने हैं, ये आप हमें बताएंगे ये प्याज के कितने दाने ये जो है स्लाइसेस। और इसमें आलू बिल्कुल नहीं, सॉरी ऑयल बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा नमक डाल। मैंने इसमें आलू भी नहीं है और क्या अल्लाह की कसम इसमें मुर्गी भी नहीं, इसमें आलू भी नहीं है, इसमें और थोड़े से इसमें डाल देंगे ऑलिव्स, ब्लैक ऑलिव्स। I'm back. इफ्तारी और ये जूस और ये फ्रूट्स और ये कितना रेड है ना, देखें हम लेकर आए आज बहुत। और ये ग्लास में डालना भूल गए, ये प्लीज ग्लास में डालें आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये तो बहुत थिक, अच्छा ऊपर आ गया, इसे हम मिक्स करेंगे तो खुद सर्व हो जाएगा। ये जूस रेडी हो चुका है और रोज़ा अभी इफ्तार होने वाला है, अभी नहीं हुआ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। जेहे का से स्टॉक टाइम से भी मैं इसमें थोड़ा सा चिली सॉस डाल दूँगी, चिली सॉस और उसको कर लेंगे हम मिक्स। थोड़ी सी और इसमें मिर्ची मैंने बिल्कुल नहीं डाली तो इसलिए मैं ये चिली सॉस डाल रही हूँ। एंड यू कैन सी द ब्यूटीफुल कलर्स। और ये रेडी हो चुकी है जो मैंने आपको दिखाई थी, मैंने प्लेट में निकाल लिया है और इसको रखते साइड पे। और ये है डो जो मैंने बना के इसको रख लिया था इसमें क्लिंग फॉइल में थोड़ी देर के लिए, क्योंकि 2 घंटे हो चुके हैं और इसको अब हम रोटी की तरह बेल लेंगे और तवे पे थोड़ा सा पका लेंगे, रैप्स बनाएंगे जो कि मैं आपको दिखाती हूँ अभी। अच्छा नमाज से हम फ्री हो चुके हैं और ये जो मैंने आपको डो दिखाई थी ये इसको मैंने एक रोटी बना ली है और इसको हम पकने के लिए देंगे। एक साइड से हम इसको अच्छे से पका लेंगे और दूसरी साइड से हम इसको ज़रा कम पकाएंगे, क्योंकि जब हम इसको रैप करने के बाद थोड़ा सा क्रंची कर लेंगे दोबारा से गर्म करके इसको थोड़ा सा बाहर से क्रिस्पी सी इसकी आउटर लुक हो। इससे बहुत ही अच्छी नाम की खुशबू आ रही है।
साइड इसकी अच्छे से पक चुकी है। इसकी दोनों साइड्स पक चुकी हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, और हम इसको उतार लेंगे। अच्छा, ये देख सकते हैं कि ये रेडी हो चुका है। इस पर थोड़ी सी मेयोनीज़ लगा लेंगे और अगर आपको इसको ज़्यादा टेस्ट पसंद है तो आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं। आज क्योंकि अफ्तार में थोड़ी सी वैसे ही हैवी हो जाती है, खाना खा के सॉरी फ्रूट वगैरह खा के, तो मैं इस पर ज़्यादा नहीं लगा रही। अच्छा, थोड़ा सा आप इसमें डाल के लगा लेंगे राइस। ये बहुत अच्छा सा चिकन रहा है, टेस्टी बन जाएगा। इसमें जो टमाटो पेस्ट और सॉस सी बनाई है आपने, ये थोड़ी सी लगा लेंगे। और इसको कर लेंगे हम रैप। अब दूसरे वाला। अच्छा, एक पे हमने मेन चीज लगा दी थी, दूसरे पे हम नहीं लगा रहे, और इसमें भी एज यूजुअल पहले फ्राइज रख लेंगे। इसमें ऑलिव भी रखी है थोड़ा सा, अगर आपको टेस्ट पसंद है तो, अगर आपको ज़्यादा टेस्ट पसंद नहीं है तो आप नहीं भी लगा सकते, आपकी मर्जी पे डिपेंडेंट है ये चीज़। और ये आप रमज़ान में और वैसे भी घर पे बना सकते हैं, जब आपके कोई रिलेटिव्स आ रहे हों तो भी बना के आप ये सर्व कर सकते हैं। और ये अच्छा सा एक है पंच का है, इसके आप थोड़ा सा जो टमाटो सॉस है वो निकाल। और इसको अच्छे से, और ये रैप हो चुका है, इसको भी हम तवे पे रख देंगे ताकि थोड़ा सा ये क्रिस्पी हो जाए इस बाहर से। ये
क्रिस्पी क्रंची सा रेडी हो चुका है, सो ऑफ कर लेंगे। और ये रेडी हो चुके हैं चिकन रैप्स, तो क्या आप देख सकते हैं। और ये आफ्टर अफ्तार हमारे रैप्स तैयार हो चुके हैं, और ये हम फाइनली दस्तरखान पर दोबारा आ चुके हैं। आपको साया आ रहा था, थोड़ा सा पीछे हो जाए। और ये मेरी प्लेट ऑयल फ्री वेजिटेबल्स। Thank you. Allah Hafiz. Like, share.